उधर झारखंड में पंचायत चुनाव की सुबुगाहट भी शुरू हो चुकी है। सोमवार को राज्य के मुख्य निर्वाचन आयुक्त डीके तिवारी जमशेदपुर पहुंचे, जहां उन्होंने त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेकर परिसदन में जिले के पदाधिकारियों के साथ बैठक की। बता दें कि निर्वाचन आयुक्त की बहाली ना हो पाने की वजह से, नियुक्ति ना हो पाने की वजह से ही कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव नहीं हो पा रहे थे, लेकिन अब इसको लेकर सुबुगाहट तेज हो गई और निर्वाचन आयुक्त की ओर से लगातार राज्य के विभिन्न हिस्सों का दौरा किया जा रहा है और अधिकारियों पदाधिकारियों के साथ बैठक की जा रही है। और इसी कड़ी में डीके तिवारी ने जमशेदपुर का दौरा किया है। इसके अंतर्गत पंचायत चुनाव एक संवैधानिक बाध्यता भी है और ये हमारी प्रजातंत्र के लिए, ग्रासरूट डेमोक्रेसी के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो अभी मैं विभिन्न जिलों से फीडबैक ले रहा हूँ, स्थिति क्या है, और ये देखते हुए कि कोविड की बीमारी थी उसको चलते हुए किस तरह से हम लोग बिल्कुल सुरक्षा के साथ इतनी शीघ्रता से ये चुनाव संपन्न करा पाएंगे, उसके अनुसार विभिन्न चरणों की तैयारियाँ कर रहे हैं। धारा